हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि कवर करते हैं। उम्मीद है दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी दोस्तों आप लोग शेयर जरूर करेंगे वीडियो को, लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, ताकि सभी बच्चे देख सके और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, आज मंडे और वापस से आप अपनी तैयारी के अंदर लग जाएगा। सारी क्लासेस दोस्तों बैक टू बैक चल रही है, चाहे कैसे भी कंडीशन हो, सारी क्लासेस आपके लिए मैनेज करवाई जा रही है। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल भी दोस्तों जो है लीनियंसी नहीं बरतिएगा और उसी तरीके से प्रिपरेशन करिएगा जैसे कि आप पहले पढ़ रहे थे। ठीक है गाइस, और आप जैसे कि आपको मालूम है आज 6 तारीख, तो 6 तारीख का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर आपको दोस्तों मेरे द्वारा जितने भी वीडियोज बनाए जाते हैं उन सभी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होती है दोस्तों, चाहे मैंने कल संडे को आप लोगों के लिए डाइट के बारे में वीडियो बनाया था, पता है क्या, आपने देखा क्या, डाइट की बात है जो कि मैंने करी थी। तो मैंने आपको एक 10-20 रुपए पर डे के अंदर, 10-20 रुपए पर डे के अंदर आपको एक बहुत अच्छी डाइट बताई थी, और मैंने आपको पूरी साइंस है जो कि पूरी डाइट के पीछे की, हेल्थ के पीछे की समझाई थी। नहीं देखा तो एक बार देखना, मजा आ जाएगा वीडियो देखने में। ठीक है गाइस, इसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर कर रखी है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम में आप BHUNESS लिखेंगे तो बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, जिसमें से ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 48,000 के आसपास बच्चे होंगे इसके अंदर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि UPSC, SSC, बैंक है, रेलवे है, कोई CDS, FCAT का एग्जाम है, या फिर कोई UGC का है, कोई PCS का, कोई CAT का, 30+ गवर्नमेंट जॉब में से किसी का भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, तो आप रेफरल कोड BHUNESH भुवनेश्वर लगा सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। मेरे कोर्स की बात करें तो रेलवे वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, और 500 टॉप GK के क्वेश्चन का दोस्तों मेरा बैच है जो कि लॉन्च होने वाला है 13 तारीख से, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से SSC के अंदर 40 जो दोस्तों स्टैटिक GK के टॉपिक है, स्टैटिक GK के दोस्तों जो टॉपिक्स है उसका भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे अलावा आपको सभी जितने भी एग्जाम्स है उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS की भी सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, साथ में यहाँ पे मेरा बायोलॉजी का भी कोर्स चल रहा है SSC के अंदर, वो भी आप पढ़ सकते हैं, और साथ में GK भी मैंने खत्म करी है, वो भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं, मैंने आपसे पूछा था 19वें एशियन खेलों के आधिकारिक शुभांकर दोस्तों क्या है, ये मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपका आंसर क्या था दोस्तों, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, कॉन्गकॉन्ग, लियानियन और चैनचैन, तीनों को दोस्तों क्या बनाया गया था, एशियन गेम्स के ऑफिशियल मेस्कॉट है जो कि बनाया गया है। ठीक है गाइस, चाइना के अंदर आपको मालूम है इसको कराया जाना है, और स्मार्ट ट्रिपलेट्स नाम से इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें इन तीनों को दोस्तों मेस्कॉट है जो कि बनाया गया था। ओके, अभी इसको कब कराया जाएगा, 2022 के अंदर दोस्तों सेप्टेम्बर में इसको ऑर्गेनाइज चाइना के अंदर करवाया जाएगा। भारत में भी हो चुका है क्या पहले एशियन गेम्स, बिल्कुल हो चुका है दोस्तों, यहां तक कि जो पहला एशियाड था ना, जो फर्स्ट टाइम जब दोस्तों एशियाड हुआ था जिसको हम एशियन गेम्स कहते हैं, ये हमारे इंडिया के अंदर ही हुआ था 1951 के अंदर। 1951 के अलावा 1982 के अंदर भी दोस्तों भारत ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। लास्ट टाइम 2018 में हुआ था दोस्तों इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर, अभी 2022 के अंदर होगा दोस्तों चाइना के अंदर, और 2026 के अंदर कहाँ पे करवाया जाएगा, इसको करवाया जाएगा जापान के अंदर। तो ये सारे लोकेशन है जो कि इस मैप के अंदर, ये देख सकते हो आप इंडिया का मैप यहाँ पे, ये देखिए इंडिया 1951 में और 1982 के अंदर, बहुत बार ये सवाल आता है एग्जाम में। चलिए, हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, नेशनल मैरिटाइम डे, इस दिन पहली बार हमारा दोस्तों जो शिप है वो US के लिए रवाना हुआ था। ओके, ये दिन आता है दोस्तों 5 अप्रैल का, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आज से 99 साल पहले ऐसा हुआ था, 1919 के अंदर की कंट्री का पहला नेविगेशन शिप था, उसका नाम था लॉयल्टी, पहला शिप था सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी का, वो यूएसए के लिए, यूके के लिए स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से। तो इसी को हम सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल मैरिटाइम डे है जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम रखी गई है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। आपको मालूम है दोस्तों सबसे सस्ता सामान भेजने का जो तरीका होता है वो होता है शिप के माध्यम से। अगर आप वाटरवेज, इसलिए हमारे देश में बनाने के लिए बात करी गई थी लेकिन बन नहीं पा रहे, वो बात अलग है, जैसे कि हाईवे होते हैं वैसे वाटरवे भी होते हैं। हमारे यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ 5 ही ऑपरेशनल है, और वैसे टारगेट जो उसका रखा था गडकरी जी ने 5 साल पहले, वो 111 का वाटरवे का रखा हुआ था, लेकिन अभी इन सबके ऊपर काम ही चल रहा है, ऑपरेशन के अंदर दोस्तों कोई भी नहीं है, 5 है जो कि टॉप के हैं अभी।
है, पहला आपको मालूम है जिसको अपन बोलते हैं वाटर वे, ठीक है, जैसे नेशनल हाईवे होता है वैसे वाटर वे होता है दोस्तों। ओके, और वाटर वे की बात करें तो ये हमारा कहाँ पर है, गंगा के ऊपर है, दूसरा वाला अपने ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए यहाँ पे आपको बताना है टॉम स्वेपिंग डे दोस्तों। ओके, किनमिंग फेस्टिवल कौन से जगह पे ऑब्जर्व किया जाता है, क्विनमिंग फेस्टिवल। ये क्विनमिंग फेस्टिवल दोस्तों जो मनाया जाता है, ये बीजिंग के अंदर जो एसेंटर्स लोग थे जिन्होंने कुर्बानी दी है बीजिंग के अंदर लड़ते हुए या वहां पे युद्ध करते हुए, उनकी याद में दोस्तों इसको चाइना के अंदर बनाया जाता है। तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चाइना ने क्या किया दोस्तों, अपना जो भी सबवे है, बस सर्विसेज है, वो सभी लोगों की पूरी करने के लिए दोस्तों इसको स्टार्ट किया है, ताकि लोग अपनी अपनी जगह पे टॉम पे जाए, वहां पे ट्रिब्यूट दे अपने पुराने लोगों को। ओके, और 4 अप्रैल को दोस्तों इसको मनाया गया था, समझ गए। बीजिंग की बात करें तो आपको मालूम है दुनिया का सेकंड सबसे जो लार्ज ट्रैफिक वाला जो एयरपोर्ट है वो बीजिंग एयरपोर्ट ही है। ओके, और चाइना का इसको हार्ट बोला जाता है, मतलब चाइना का मेजर बिजनेस दोस्तों बीजिंग से ही चलता है, ठीक है। लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन है बीजिंग की ये वाली, ये बीजिंग है। इसके अलावा शंघाई की बात करें तो ये शंघाई है मेजर शहर। ओके, ये हुबई प्रिंस है, ये देखो ये हुबई है। ओके, तो ये एम्पायर चाइना है। आगे बात करते हैं, हाल ही में सोलोमन द्वीप में एक शक्तिशाली तूफान में 28 नौका यात्री बह गए, सोलोमन द्वीप की राजधानी क्या है। सोलोमन द्वीप दोस्तों बहुत ही फेमस है, नियर बाय 90 आइलैंड से मिलकर जो है ना ये दोस्तों कंट्री बना हुआ है। मात्र 6,11,000 लोगों की दोस्तों यहाँ पे पॉपुलेशन है अभी फिलहाल, अगर मैं बात करूँ तो, समझ रहे हो। और छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे, आपको पता होगा कि जॉन जो कैनेडी है ना, जॉन एफ कैनेडी जो थे, उनके नाम पे भी एक आइलैंड है जो कि सोलोमन आइलैंड के अंदर नाम है जो कि रखा हुआ है उसका, ठीक है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है ना जॉन कैनेडी, उनके नाम पे भी एक यहाँ पे आइलैंड है। यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों वो होनियारा है दोस्तों, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी यहाँ पे एक पावरफुल तूफान आया था, उससे 28 लोगों के जो पैसेंजर फेरी थी ना, ये ऐसी जो शिप थी वो क्या हो गई, पलट गई दोस्तों, समझ रहे हो। आपको लोकेशन भी बता देता हूँ और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि ये सोलोमन आइलैंड जो कि अमेरिका और यूएसए के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, सोलोमन आइलैंड, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये है दोस्तों पैपुआ न्यू गिनिया, इसके जस्ट पास में ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा है आपको, ये सोलोमन आइलैंड है। करेंसी यहाँ पे डॉलर है दोस्तों, कॉन्टिनेंट ओशियाना में आता है, एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ पे मोनार्क है, और गवर्नर जनरल यहाँ पे डेविड है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन है, मैनिसा। साथ में दोस्तों यहाँ पे अभी 0 कोरोना वायरस के केसेस है, 0 कोरोना वायरस के, दुनिया के चंद देशों में से है जहाँ पे अभी भी दोस्तों COVID-19 नहीं पहुंचा, और बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए दोस्तों, इसकी जो डिस्कवरी करी गई थी दोस्तों वो 1568 में करी गई थी, एक स्पेनिश लोग, एक ट्रैवलर था मैंडेना, उसके द्वारा, और इसका जो नाम रखा गया था वो सोलोमन के ऊपर रखा गया था, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे किंग जो है स्पेन में सोलोमन हुआ करते थे, तो उनके नाम पे इस आइलैंड का नाम स्पेनिश के द्वारा रखा गया था दोस्तों, ठीक है। 1568 में इसके बारे में पता किया गया था। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष डिजाइन किया है। कीटाणु शोधन कक्ष का मतलब क्या है कि आप इस चेम्बर में से 10-20 सेकंड रुकेंगे और आप पूरी तरीके से आपकी बॉडी पे अगर कोई कोरोना वायरस या कोई भी वायरस है तो वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके का जो चेम्बर बनाया गया है दोस्तों ये किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। आपका आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है अहमदाबाद के अंदर। ओके, जो कि अपने डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, उसने दोस्तों इसको डिजाइन किया है। सैनिटाइजर सोप डिस्पेंसर है, उससे इक्विप्ड है पूरी तरीके से, एंट्री के अंदर भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड दोस्तों पंप लगा रखा है, हाइपोसोडियम क्लोराइड से इसको डिसइंफेक्शन किया जा रहा है, 25 सेकंड के अंदर दोस्तों पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्शन है जो कि हो जाएगा। यहाँ पे 650 लोग हैं दोस्तों जो कि इससे पास हो सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का है, दिख गया, ये देखिए एंट्री लेवल है, यहाँ पे पूरी तरीके से एनक्लोज्ड है। किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, 1958 में फॉर्मेशन हुआ। सतीश रेड्डी जी अभी चेयरपर्सन है और अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये काम करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगभग 1.25 लाख आयुष डॉक्टरों को ऑनलाइन परीक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। कौन है दोस्तों जो कि 1.25 लाख आयुष डॉक्टर को ऑनलाइन ट्रेन कर रहा है, तो ये कर रहा है दोस्तों महाराष्ट्र, भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ताकि मैन पावर इंक्रीज हो सके,
डॉक्टर दोस्तों ज्यादा हो सके, वेंटिलेटर की या कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो ना इमरजेंसी में, तो आयुष वाले जो डॉक्टर है ये भी क्या कर सके, लोगों की मदद कर सके। 1,500 वेंटिलेटर दोस्तों इंक्लूड करे गए हैं, 2,50,000 N95 मास्क है जो कि अवेलेबल अभी करवाए गए हैं दोस्तों। महाराष्ट्र की बात करें, 36 राज्य जो यहाँ पे जिले हैं, 1950 में फॉर्मेशन हुआ, भगत सिंह जी अभी यहाँ पे गवर्नर है, उद्धव ठाकरे जी सीएम है, 48 यहाँ पे दोस्तों लोकसभा और 19 यहाँ पे राज्यसभा की सीट है। ठीक है गाइज, ये पूरा इंडिया का मैप है, इसको थोड़ा सा एक बार वो कर लीजिएगा, है ना, एक्चुअली के अंदर ये विकीपीडिया से लगा दिया जाता है, तो लोड मत लेना यार। कई बार मैं कमेंट देखता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर आपने मैप ऐसा लगा दिया, कोई बात नहीं यार अभी ठीक है, मैप में इधर उधर होने से अपना पार्ट अपना ही रहेगा, कभी अलग नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सभी COVID-19 संबंधित सूचनाओं के लिए mCOVID-19 ऐप है जो कि लॉन्च किया है, mCOVID ऐप ये लॉन्च किया गया दोस्तों किसके द्वारा, मिजोरम के द्वारा दोस्तों इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ताकि इन्फॉर्मेशन दोस्तों अवेलेबल करवा सके। ठीक है गाइस, मिजोरम, मिजोरम की बात करें 72 में राज्य बना, स्टेट बना 87 के अंदर, यूनियन टेरिटरी था पहले 1972 में बना था, आइजोल कैपिटल है, 8 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, श्रीधरन जी दोस्तों अभी गवर्नर है, जोरमथंग जी सीएम है, 40 विधानसभा और 1-1 राज्यसभा और लोकसभा की सीट है। ठीक है, अगर आपको इंडिया में कुछ सिंगापुर टाइप देखना है ना, तो आइजोल बहुत अच्छी जगह है, आइजोल के लिए बोलते हैं बहुत साफ सुथरी, बहुत ही अच्छी जगह बताते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आइजोल है, मतलब ये मिजोरम है, इसी के अंदर कैपिटल है। पीएम ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी, जगजीवन राम को डैश के रूप में जाना जाता था, जगजीवन राम जी के बारे में आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही फेमस पर्सन रहे, और नेहरू जी ने तब दोस्तों 1946 के अंदर जब अपने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी ना, तब उस टाइम पे दोस्तों सबसे यंग जो मिनिस्टर बने थे, सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर जो थे ना, वो दोस्तों कौन थे, जगजीवन राम जी थे दोस्तों, इनको बाबूजी के नाम से बड़े फेमस थे दोस्तों। और आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने इनको अभी क्या दिया, ट्रिब्यूट दिया, फ्रीडम फाइटर एक्टिविस्ट रहे, लेबर क्लास के लिए इन्होंने बहुत काम किया, जो डिप्रेस क्लास थी ना दोस्तों उनके लिए ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास इनके द्वारा ही फॉर्मेशन किया गया था उसका, समझ गए, बिहार से बिलोंग किया करते थे, और अनटचेबिलिटी देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास इनके द्वारा फॉर्मेशन किया गया 1935 के अंदर, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 1937 में जीते, और 46 के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट जब थी नेहरू जी के, तो वहां पे इनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो लोग स्पेशलाइज थे ना किसी काम में, उनको मिनिस्टर बनाया जाता था, जैसे कि लेबर के लिए इन्होंने बहुत काम किया, अंबेडकर जी वकील थे, बहुत जबरदस्त लेजिस्लेटिव में पकड़ थी, तो कानून की पकड़ थी, तो उनको क्या बनाया गया, अपने लॉ मिनिस्टर बनाया गया, वैसे ही जिसको स्पोर्ट्स की थी उसको स्पोर्ट्स का, तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि पहले के टाइम पे स्पेशलाइजेशन को देखकर बनाया जाता था। अब जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्टर थे, तो इन्होंने जो अपना नीचे का जो तबका है ना लोग, उनके लिए बहुत काम किया, यहाँ तक कि जो सोशल जस्टिस की जो हम बात करते हैं, ये वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनके द्वारा डलवाया गया था, समझ रहे हो, कई सारे 40 साल तक अलग अलग पोर्टफोलियो में कांग्रेस की तरफ से इन्होंने काम किया, यहाँ तक कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे तब भारत को कोई बढ़िया एक किसान नेता चाहिए था ना, तब इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इनको ही बनाया गया था 1972 के 1974 के टाइम पे, जब देश में बड़ा ड्रॉट आ गया था, और इन्होंने दोस्तों बड़े बढ़िया तरीके से निकाल दिया था, यहाँ तक कि आपको पता नहीं होगा, जब 1971-72 में बांग्लादेश वाला जो अपना युद्ध हुआ था ना, तब उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर भी दोस्तों यही थे, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, और पेपर में भी सवाल आता है ये वाला कि डिफेंस मिनिस्टर कौन थे 1971-72 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पे, गांधी जी को इन्होंने सपोर्ट किया था इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन कांग्रेस से बनी नहीं, तो 77 में छोड़ दिया और एक नई कांग्रेस, नई पार्टी बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस जे नाम से, फिर वो जनता पार्टी में मिल गई, और फिर जनता पार्टी से अलायंस करके जो मोरारजी देसाई थे उनके टाइम पे भी ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है जो कि बने थे, समझ गए, लास्ट सर्वाइविंग मिनिस्टर थे जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के पर्सन थे जब ये बचे हुए थे, तो काफी पुराना इन्होंने काम किया है काफी। उड़ीसा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को शामिल करने के लिए डैश नाम से एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू करी है, तो उड़ीसा सरकार ने लॉकडाउन के लिए दोस्तों मो प्रतिभा नाम की दोस्तों एक कॉम्पिटिशन है जो की शुरुआत किया है, ऑनलाइन कंपटीशन है ताकि जागरूकता दोस्तों क्या हो सके, फैल सके, स्लोगन हो गए, शॉर्ट राइटिंग हो गई, पोयम हो गई, पोस्टर हो गए, इसको लेकर है ना। एनएचए ने COVID-19 रोगियों के उपचार में शामिल फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिकों के परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ में समझौता किया है, तो जो भी हमारे दोस्तों नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग है ना, उनको ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बढ़िया मिले, इसलिए दोस्तों उबर ने क्या किया दोस्तों, कोलैबोरेशन किया और उनको मदद अवेलेबल करवाएगा उनको अपने घर पहुंचाने के अंदर।
150 कार है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही है सपोर्ट करने के लिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, है ना, प्रयागराज, पटना, इन सभी में दोस्तों उबर मेडिक सर्विस की शुरुआत करी गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, 8 बजे वाले सेशन में जरूर आइएगा, करंट अफेयर कवर करेंगे 2 दिन का, संडे का और मंडे का, काफी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी से लेकर रेलवे तक 30+ गवर्नमेंट जॉब में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो रेफरल कोड BHUNESH BHUNESH10 लगा सकते हैं 10% ऑफ, और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर SSC की बात करें दोस्तों तो आपका SSC के अंदर मेरा 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक का दोस्तों मैं कोर्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जीके खत्म करिए वो मिल जाएगी, बायोलॉजी चल रही है लास्ट क्लास है ज्वाइन कर लीजिए, मेरे अलावा आपको मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके, जीएस, इंग्लिश सबकी क्लासेस मिल जाएगी। उसी प्रकार से बैंकिंग में भी आपको RBI, SBI क्लर्क की सारी क्लासेस मिल जाएगी। रेलवे में भी मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 500 टॉप जीके क्वेश्चन का, ज्वाइन कर लीजिएगा। करना कैसे है, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, ओपन करो, फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, आपका जो मन करे दोस्तों गोल सेलेक्ट कर लो, कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो रेफरल कोड लगा दीजिएगा BHUNESH10 10% ऑफ के लिए। आपको फिर प्लस में जाना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में, फिर आपको 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 12 महीने का ऑप्शन मिलेगा, 12 महीने का ले लीजिएगा, मात्र ₹500 पर मंथ पड़ेगा अगर आप SSC या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो। SSC में दोस्तों CGL प्री और मेंस की क्लासेस, CHSL प्री मेंस, MTS हो गया, GD हो गया, CPO हो गया, आपका JEE हो गया, स्टेनो हो गया, फेज 8 हो गया, जितने भी एग्जाम होते ना सबका कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार से बैंक के अंदर भी दोस्तों आपके IBPS हो गया, RRB हो गया, LIC हो गया, चाहे IBPS हो गया, SBI हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो सबका कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार से UGC में भी अभी दोस्तों कोर्स स्टार्ट किया है, और रेफरल कोड की बात करें तो BHUNESH BHUNESH10 लगा के अप्लाई कर दीजिएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा, ओके। ये टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे जितने भी दोस्तों PDF या वीडियो आते हैं करंट अफेयर के सब आपको मिलेंगे, BHUNESH लिखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, 48,000 के आसपास बच्चे होंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एशियाई विकास आउटलुक 2020 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 में डैश में बढ़ने की उम्मीद है, आपको ग्रोथ रेट है जो कि इंडियन इकोनॉमी की बतानी है दोस्तों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा दोस्तों, 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, धमाकेदार दोस्तों आज आपका इंटरनेट का पूरा जुगाड़ कर दिया है, कोई भी बफरिंग नहीं होगा, बहुत ही धमाकेदार क्लास है जो कि होने वाली है, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।